कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होनी चाहिए। कुछ छोटे मोटे कार्य को करने की आदत डालनी चाहिए। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों से छोटे छोटे कार्य करवा कर उन्हें काम करने की आदत डालें, ना कि उन्हें पूर्णतः नौकरों पर निर्भर रहने दें। आज हम जानेंगे क्लास 8 से चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है कामचोर। बच्चों, पाठ की सारांश की शुरुआत यहाँ से होती है। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है, जिसमें लेखिका ने अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन किया है जिन्होंने बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई है। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। बिगड़े बच्चों की शरारतों से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि ये बच्चे कुछ तो काम करें। ये अपना भी काम नहीं करते, कामचोर कहीं के। सारा दिन उधम मचाना एवं शरारत करना ही उनका काम रह गया है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने स्वयं पानी पीने का ख्याल आया। पानी पीने के लिए सुराही मटकों के पास ही घमासान शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरे। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वे काम ढंग से नहीं करेंगे। पिताजी ने फरमान जारी किया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने फर्श दर्रे साफ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया। बच्चे तनख्वाह की लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। बच्चों ने फर्श पर से दरी उठाकर झटकना शुरू कर दिया। दो चार बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर का वातावरण धूल से भर गया। खांसते खांसते लोगों को बुरा हाल हो रहा था। सब बच्चे बाहर निकल गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह के लालच में बच्चे काम में तो जुट गए थे। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बटने लगी। अचानक उन्होंने ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब सभी को आंगन से निकाला गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने तथा पतीलियां उठाकर नल की ओर भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तन की ठूसा ठूस होने लगी। इस धक्का मुक्की और मारपीट करने से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। पड़ोस के नौकरों से चार आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। शाम को मुर्गियों को दरबे में लाने के लिए सभी बच्चों ने बांस की छड़ी उठा ली। मुर्गियां बाड़े में आने की बजाय इधर उधर भागने लगी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सुख देखते ही बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गईं और पलंगों को फांती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मैगनी का, मतलब जो भेड़ लेटरिन करते हैं उनकी लेटरिन को मैगनी कहते हैं, मैगनी का छिड़काव करते हुए दौड़ रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी।
वो जो मटर की फलियां तोलकर रसोइयों को दे रही थी, उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच चुकी थी। बच्चों को रात का खाना ना मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों को दूध दुहने का विचार बनाया। भैंस के चार थानों पर आठ आठ हाथ लगे। भैंस पलटी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दुहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले दो पैर चाचा की चरपाई से बांध दिए गए। अगले दो पैर बांधना चाह ही रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चरपाई सहित भागी। भैंस के भागने से चरपाई पानी के ड्रम में टकराई। पानी छलकने से चरपाई पे सो रहे चाचा को अब असली बात समझ में आई। वे बच्चों को यूं छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चों को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर उधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा दो चार धारे बर्तन में गिरी, बाकी उसका बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान सा खड़ा हुआ। सारे सामान घर में इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वालों को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दी। वो देखकर अब्बा ने पुनः किसी चीज को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों, कामचोर शीर्षक पाठ के कुछ परीक्षोपयोगी प्रश्नों के उत्तर आपको हम अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो इसके सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन पर दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आपको नए नए अपडेट हमेशा मिलते रहें। और हाँ बच्चों, इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा।